नेटफ्लिक्स पर हम और आप भले हर हफ्ते नए शो का आनंद उठाते हों, पर देश के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ओटीटी प्लेटफॉर्म कंपनी नेटफ्लिक्स से 196 करोड़ रुपए वसूलने हैं। आयकर विभाग ने इसके लिए कंपनी को नोटिस भी भेजा, लेकिन अब मामला इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल पहुंचने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि नेटफ्लिक्स टैक्स चुराएगी या नहीं, ये फैसला अदालत में होगी। आयकर विभाग ने कथित टैक्स चोरी के एक मामले में नेटफ्लिक्स से 196 करोड़ रुपए के टैक्स की मांग की थी। आयकर विभाग की इंटरनेशनल विंग ने ये टैक्स डिमांड जनरेट की थी। बाद में दोनों पक्ष डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के पास भी गए, जहां इस साल की शुरुआत में फैसला आयकर विभाग के पक्ष में आया। भारत में नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट सर्विसेज LLP को रजिस्टर किया गया है। ये नेटफ्लिक्स की इंडिपेंडेंट एजेंट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, यानी एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट PE के तौर पर भारत में ऑपरेशन से होने वाली कमाई नेटफ्लिक्स को अपनी पेरेंट्स कंपनी के साथ शेयर करनी होती है। अब आयकर विभाग का कहना है कि अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के बीच नेटफ्लिक्स ने इंडिया ऑपरेशन से करीब 1,145 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि इसमें उसका प्रॉफिट 1,008 करोड़ रुपए था। इसमें इंडियन ऑपरेशन की हिस्सेदारी 503 करोड़ रुपए आई, लेकिन PE एजेंटमेंट के तौर पर नेटफ्लिक्स ने भारत में 13.36 करोड़ रुपए की पेशकश की, बाकी 490 करोड़ रुपए नेटफ्लिक्स को ट्रांसफर कर दिए। लेकिन भारतीय कानून के मुताबिक ये अमाउंट टैक्सेबल है और इस पर 196 करोड़ रुपए के टैक्स बनता है। नेटफ्लिक्स की प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि कंपनी अपने ग्लोबल जरूरतों और टैक्स नियमों की पूरी तरह पालन करती है। अधिकारी ने कहा कि उसने GRP के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है। कंपनी जल्द ही इस मामले को लेकर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जा सकती है। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।